इस वीडियो में हम नज़र डालेंगे कि क्या चीन के ताल्लुकात मगरबी दुनिया के साथ दोस्ती के हैं या फिर वो एक हरीफ की हैसियत रखता है, और चीन को बांग्लादेश की क्वाड अलायंस में शमूलियत पर क्या इतराज़ात हैं। हाल ही में चीन ने बांग्लादेश को अमेरिका की सरबराही में तश्कील दिए जाने वाले क्वाड इत्तेहाद में शमूलियत से खबरदार किया है। चीन की तरफ से ये तंबीह चीन के सफीर ने सहाफ़ियों के साथ एक मुलाकात में दी, जो बज़ाहिर जारहाना और चीन की तरफ से पेशबंदी मालूम होती है, लेकिन इस पर इंडिया में गुस्से का इजहार किया जा रहा है। चीन की तरफ से ये तंबीह कोई गैर मुतवक्को चीज़ भी नहीं, क्योंकि चीन इस खित्ते में अमरीकी इकदामात पर बड़ी गहरी नज़र रखे हुए है। अमरीका खित्ते के मुल्कों से अपने ताल्लुकात मजबूत कर रहा है और क्वाड इस सिलसिले की ही एक कड़ी है। चीन सफारती सतह पर और ज़राए इबलाग के इदारों के ज़रिए खित्ते में अमरीकी सरगर्मियों पर अपनी तशवीश का इजहार करता रहा है। चीन के सरकारी इदारे ग्लोबल टाइम्स ने इस हवाले से लिखा है कि अमरीका चीन और बांग्लादेश के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। तरीसना बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा ने फौरी तौर पर चीनी सफ़ीर के बयान पर अपना रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा कि यह बयान अफसोसनाक है। उनका कहना था कि बांग्लादेश अपनी ख़ारजा पॉलिसी का खुद तायुन करता है और किसी भी दूसरे मुल्क की अपनी सोच और मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन चीन के इस जारहाना रवैये के पीछे मुहर्रिक क्या है। चीन के सफ़ीर की तरफ से 10 मई को यह बयान दिया गया था कि अगर बांग्लादेश की हुकूमत ने क्वाड में शामिल होने का फ़ैसला किया तो ढाका और बीजिंग के ताल्लुकात शदीद तौर पर मुतासर हो सकते हैं। बांग्लादेश की हुकूमत और मुल्की ज़राए इबलाग के लिए चीनी सफ़ीर का ये बयान बायस हैरत था। गो कि चीन ने पहले कभी बांग्लादेश को क्वाड से दूर रहने के बारे में बराह रास्त कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बारे में काफ़ी अरसे से तशवीश पाई जाती है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को अक्टूबर 2020 में चीन के सफ़ीर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अमरीका मुसलसल अपने खुफिया अजाइम के तहत चाह रहा है कि बांग्लादेश को भी उस चीन मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बनाया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने उस वक्त के अमरीकी वज़ीर दिफा मार्क एस्पर की बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजिद से फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू का हवाला दिया और अमरीका के नायब वज़ीर ख़ारजा स्टीफन बेगन के बांग्लादेश के दौरे की भी निशानदेही की। चीनी सफ़ीर ने कहा कि कोविड-19 की वबा चीन और अमेरिका के दरमियान शदीद कशीदगी और चीन और इंडिया के दरमियान सरहदी तनाज़े ने बांग्लादेश के लिए बैरूनी माहौल को भी तब्दील कर दिया है। चीनी सफ़ीर के अल्फाज वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की तरह है, जिसमें पैगाम रसा चीन के दिफाई और तजारती मुफादात के बारे में सख्त ज़बान इस्तेमाल करता है। इंडिया में शाया होने वाले अखबार द इंडियन एक्सप्रेस ने 18 मई को लिखा कि चीनी सफ़ीर ने अपने मेज़बान मुल्क में इतना सख्त रवैया क्यों इख्तियार किया, जबकि बांग्लादेश ने चीन के लिए हसास मौजूद पर कभी बात नहीं की। ढाका और क्वाड के बारे में बात करके चीनी सफ़ीर ने दरअसल बांग्लादेश के लिए एक सुर्ख लकीर खींच दी है। एक बांग्लादेशी अखबार ने 1 मई को ज़राए के हवाले से इत्तला दी थी कि चीन के वज़ीर दिफा ने इस साल अप्रैल में ढाका में बांग्लादेश के सदर मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद से कहा था कि चीन चाहता है कि बांग्लादेश खित्ते में अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए चीन का साथ दे। बांग्लादेश दिफाई साजो सामान की ख़रीदारी पर बड़ी हद तक चीन पर इन्हिसार करता है। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश का 86% असलहा चीनी साख्त का है। दूसरी जानब ढाका में अमरीकी सफारतखाने की जानब से कहा गया कि हम 2030 तक बांग्लादेश की फ़ौज जदीद खुदूत पर उस्तवार करने की ख्वाहिश की हिमायत करते हैं। बांग्लादेश और अमरीका के दरमियान खुफिया मालूमात का तबादला करने के लिए भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो कि जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट और एक्विजिशन क्रॉस सर्विसिंग अग्रीमेंट के तहत हो सकता है। इस साल मार्च में इंडिया ने, जो कि क्वाड का रुकन है, बांग्लादेश को $50 करोड़ मालियत का असलहा ख़रीदने के लिए कर्जा फराहम किया था। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश क्वाड का रुकन बनेगा? अगर क्वाड के बारे में बांग्लादेश के हालिया बयानात को देखा जाए तो लगता है कि बांग्लादेश अपनी मुतवाजन और गैर जानबदाराना खारजा पॉलिसी जारी रखेगा। इंडिया भी ये कह चुका है कि क्वाड को वसत देने का अभी कोई इरादा नहीं। दरअसल चीन ने जनूबी एशिया के मुल्क से ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर करने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ कर दिया है। याद रहे कि चीन के वज़ीर दिफा ने इस साल अप्रैल में बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की याद में तामीर किए गए अजायब घर पर भी हाजिरी दी थी। ये चीन के किसी आला अहलकार का शेख मुजीबुर रहमान की यादगार पर पहला दौरा था।
बांग्लादेश के चीन मुखालिफ इत्तेहाद का हिस्सा बनने की कोई वजह नहीं, लेकिन चीन की तरफ से जारी करदा तंबीह से लगता है कि चीन चाहता है कि बांग्लादेश अपनी गैर जानबदाराना पॉलिसी तर्क कर दे और आलमी सतह पर अमरीका का मुकाबला करने के लिए उसके साथ आ खड़ा हो जाए। दूसरी जानब मगरबी दुनिया की तरफ देखा जाए तो चीन आखिर दोस्त है, हरीफ है या फिर दोनों का किरदार अदा कर रहा है? मगरबी दुनिया को मुकाबले का सामना है, ख़ास तौर पर चीन के साथ, लेकिन माहौलियाती तब्दीलियों और तख़फ़ीफ़ असलहा जैसे शोबे तआवुन के मुतकाज़ी हैं। म्यूनिख सिक्योरिटी रिपोर्ट में एक सेहतमंदाना तवाज़ुन तक पहुँचने की कोशिश की गई है। म्यूनिख सिक्योरिटी रिपोर्ट का इजरा सही और मुनासिब वक्त पर किया गया है, मुनासिब इसलिए कि अमरीकी सदर जो बाइडन यूरोपीय दौरा शुरू करने वाले हैं, अमरीकी सदर G7 समिट और नेटो सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। रवा बरस जारी किए जाने वाली इस रिपोर्ट का उन्वान अहम रियासतों के दरमियान पाया जाने वाला तआवुन और मसाबकत तजवीज़ किया गया है। ये रिपोर्ट 160 सफहात पर मुश्तमिल है, इसमें कई अहम और पेचीदा मौजूआत को समोया गया है। इनमें मगरबी जमहूरियतों को पेश चीन के हवाले से चैलेंज को अहम करार दिया गया है। इस रिपोर्ट में ये वाजह करने की कोशिश की गई है कि एक ही वक्त पर मगरबी जमहूरियतें और चीन एक दूसरे की ज़रूरत भी हैं, यानी तजारती शराकतदार भी, और दूसरी जानब आलमी मसाइल में एक दूसरे के मद्द मुकाबिल भी हैं। ये एक दूसरे के हरीफ भी हैं और स्ट्रेटिजिक पार्टनर्स भी हैं। इन्हें COVID-19 की वबा में यकीनी तौर पर एक दूसरे की ज़रूरत महसूस हुई। कम्युनिस्ट मुल्क चीन में हुक्मरान पार्टी रियासत की निगरानी में सरमायादाराना निज़ाम जारी रखे हुए है। इस कम्युनिस्ट पार्टी ने वो नहीं किया जिसका इरकाब साबिका सोवियत यूनियन से सरजद हुआ था। मुतलकुल अनानियत के साथ साथ इक्तिसादी तरक्की ने मुल्क की अवाम में खुशहाली पैदा की है। इसी बायस अमरीकी सदर जो बाइडन अपनी तकरीर में बारहा कह चुके हैं कि जमहूरी हुकूमतें भी अपने लोगों को वो कुछ दे सकती हैं जिससे दुनिया में तब्दीली यकीनी है। दूसरी जानब चीन की हुकूमत ने यह हदफ मुकर्रर किया है कि वो सन 2049 तक मुकम्मल तौर पर तरक्की याफ्ता जदीद और सोशलिस्ट ताकत का मंबा बन जाएगा। इसमें टेक्नोलॉजी, मईशत और सकाफत के अहदाफ भी शामिल हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक चीन के इस हदफ का बुनियादी मकसद अक्वामे आलम में ताकत का मरकज और महवर बनना है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने मनसब सदारत 20 जनवरी 2021 को संभाला था। वो अपने पहले 8 रोज़ा यूरोपीय दौरे के दौरान इंग्लैंड में मुनक्किद होने वाली G7 समिट और फिर मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो के ब्रसल्स में मुनक्किदा सरबराह इजलास में शरीक होंगे। G7 दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों का ग्रुप है। मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो का सरबराह इजलास 14 जून को होगा। अमरीकी सदर 16 जून को अपने रूसी हम मनसब व्लादिमिर पुतिन से स्विट्ज़रलैंड के शहर जनेवा में मुलाकात करेंगे। इस दौरे के पस मंज़र में म्यूनिख सिक्योरिटी रिपोर्ट के इजरा को बहुत अहमियत हासिल है। म्यूनिख सिक्योरिटी रिपोर्ट में लिबरल जमहूरियतों के नुमाइंदों ने वाजह किया कि लिबरल मुसाबकत पैदा करने में फैसला कुन मौक़िफ अपनाने की ज़रूरत है। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के शोबे पॉलिसी और तज्जिये के सरबराह उन अफराद में शामिल हैं जिन्होंने रिपोर्ट मुरतब की है, वो भी लिबरल कम्पेटिटर्स के मुकाबले एक वाजह और मजबूत मौक़िफ अपनाने के हामी हैं। उन्होंने अमरीकी सदर की तकरीर के इक्तबास का भी इस्तेमाल किया है। इसमें जो बाइडन कहते हैं कि ट्रांस अटलांटिक रहनुमाओं में इतफाक़ पाया जाता है कि दुनिया की बड़ी जमहूरियतों के बाहिमी तआवुन को मज़ीद मुस्तहकम करना अशद ज़रूरी हो गया है। बाइडन के मुताबिक इस तआवुन और इतफाक़ से ही मुश्तरका चैलेंजेस का मुकाबला मुमकिन है। उनका कहना है कि बैनुल अक्वामी इदारों में भी मगरिब के नज़रियाती तसल्लुत के फैलाव को मुश्किलात का सामना है, जैसा कि अरब दुनिया और चीन में इंसानी हुकूक की सूरत हाल वगैरह। इस तनाजुर में बीजिंग हुकूमत का अपनी पॉलिसियों के सहारे पर सिंकियांग या हांगकांग की सूरत हाल पर दर्जनों ममालिक की हिमायत हासिल करना मुमकिन है।